हेलो व्यूअर्स, आज हम कलर चेंज रिएक्शंस करेंगे। ये पॉविडेंट आयोडीन सिरप है, सामान्य जल है और साथ में ये आलू के साथ में पॉविडेंट सिरप डालने पर इसका कलर रेड हो जाता है। अब कद्दूकस से थोड़ा सा आलू कस लेते हैं और इसको आवश्यकता अनुसार आप इसे कद्दूकस से कसिए। इसके बाद जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो इसका कलर चेंज होना शुरू करेगा। फिर देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। ये रेड से ब्राउन हो गया है, ब्राउन से ब्लैक में चेंज हो रहा है। देखिए अब ग्रीन हो गया है, अब ये ब्लैक में चेंज हो रहा है। इसे थोड़ी देर रखा रहने पर ये तीन कलर्स की लेयर में चेंज हो जाएगा। ऊपर येलो, बीच में ग्रीन और सबसे नीचे आपका ब्लैक कलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 3 से 4 मिनट इसी तरह के इसको ऐसे ही रोकना है। तब तक हम एक और एक्सपेरिमेंट को नहीं दोहरा लेते हैं, इसको यहीं पर रख लेते हैं। उसमें भी हम पॉविडेंट सिरप का ही इस्तेमाल करेंगे। हमने ये पॉविडेंट सिरप जो आयोडीन सिरप है, आराम से आपको नहीं किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। इसमें जब हम ये बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा डालने पर ये थोड़ी देर बाद पहले ये येलो कलर से वर्क होगा और फिर इसका भी ग्रीनिश कलर हो जाएगा और बाद में 5 मिनट के समथिंग छोड़ने पर ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ये देखिए ग्रीनिश कलर हो गया है, अब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। इसमें भी लगभग 3 से 5 मिनट का समय लगेगा, थोड़ा वेट करेंगे और वेट कर देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे ये चेंज होता रहेगा, हो जाएगा आराम से। तब तक देखिए इसमें नहीं, आपको लेयर 2 दिखाई दे रही होंगी। ऊपर का पार्ट रेड है, बीच में थोड़ा सा ग्रीनिश है और नीचे का डार्क ब्लू या ब्लैक कलर्स में चेंज हो गया जो हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था। और ये देखिए ये सेकंड वाला है, ये ग्रीन में चेंज हो रहा है, अभी थोड़ी देर में ये पिंक में चेंज हो जाएगा। इसे वेट करते हैं हम। देखिए इसका कलर कुछ पिंक कलर में चेंज हो रहा है और इसमें भी लेयर बनने शुरू हो गई है। देखिए बन रही है, थोड़ा और टाइम देंगे और स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब है कि इसमें नहीं 5 से 7 मिनट का टाइम मिलेगा। घर में अगर करना चाहें तो ये सुरक्षित है, करके देख सकते हैं। और देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। बस थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं कि इसमें जो बेकिंग सोडा है वो कम से कम 1 चम्मच, आपका जो टीस्पून होता है इस तरह की, 1 चम्मच कम से कम डालिए और यदि ज़रूरत पड़े तो थोड़ी मात्रा और बढ़ा दीजिए। अभी और इसका कलर चेंज होगा और दोनों का ही चेंज होगा, थोड़ा और वेट कीजिए। आप 2-3 मिनट का और वेट करेंगे और देखेंगे और कितना कलर चेंज हो सकता है।
ये देखिए, अब ये कुछ आपका पिंक और ऊपर का पार्ट जो है वाइट हो रहा है, थोड़ी देर में और वाइट हो जाएगा। और इसमें भी आपको ऊपर का आपका इतना हिस्सा नहीं, येलो है और उसके बाद रेड है और उसके बाद में आपका डार्क ब्लैक में चेंज हो रहा है। जितना समय इसमें ज़्यादा दे सकेंगे आप, 2 से 3 मिनट, 4 मिनट 5 मिनट, उतनी ही इसकी कलर चेंजिंग रिएक्शंस बार बार शिफ्ट होती रहेगी। और ये तब तक होगा जब तक कि डाला गया जो केमिकल है, जो मटेरियल है, वो एक्टिव रहेगा। इसका एक्टिव होना जब बंद हो जाएगा तो उसमें फिर कुछ भी करें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। चेंज हो गया है, अब देखिए अगर हम इसको सेक भी कर रहे हैं तो इसका कलर वाइट से नहीं चेंज नहीं हो रहा है। और इसमें देखिए आपका इसमें हल्का सा चेंज होगा, ये देखिए अब पूरा ब्लैक हो गया है। एक ही आपका सिरप था जो पोविडोन आयोडीन सिरप है, ये आपका नहीं किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा हमारे पास, बड़ी सी थी आप छोटी ले लेना कोई बात नहीं है, ये आपका नहीं 50 रुपये से लेके नहीं 100, 150, 200 रुपये तक की आराम से मिल जाती है, जितनी बड़ी भी लेना चाहें। अब एक ही सिरप से 2 अलग अलग कलर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।